दिल्ली गेट स्थित सरकार हॉस्पिटल एंड उमा आईवीएफ सेंटर में डॉक्टर वरुण सरकार कार्डियक सेंटर का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कंगारू किड्स स्कूल का भी उद्घाटन किया गया। कार्डियक सेंटर का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा दीप प्रज्वलन कर और फीता काटकर किया गया। और क्या क्या चीजें हैं? देखिए, कार्डियक ऐसी बीमारी है जो बच्चों की भी शुरू हो गई है और किस उम्र में हो जाए इसकी कोई भरोसा नहीं। इसका सेंटर आगरा में ज़रूरी था और एक आधुनिक सेंटर है, सरकार नर्सिंग होम में खुला है। ये सरकार नर्सिंग होम बहुत पुराना नर्सिंग होम है और इसमें निस्वार्थ भाव से बहुत लंबे समय से इस परिवार का रिकॉर्ड रहा है कि जनता की सेवा करना, उसी सेवा के लिए ये खुला है। इससे आगरा का जो जनता को बहुत राहत मिलेगी और हृदय रोग से बचाव के लिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी उसको इलाज मिल जाए। तो ये शहर के बीच में, इसलिए जल्दी से जल्दी इलाज भी पेशेंट को मिल सकता है। इसका उद्घाटन किया गया, क्या कुछ रहा है, कौन कौन से डॉक्टर हाजिर हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार हॉस्पिटल में एक हार्ट सेंटर डॉक्टर वरुण सरकार कार्डियक सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है। इसमें एक हफ्ते से सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर किए जा रहे हैं कैथ लैब के अंदर। साथ ही में जो कैंगरू किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल का भी उद्घाटन हुआ है, जो कि आगरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्ले स्कूल है। ये आगरा की जनता के लिए शिक्षा और सेहत दोनों सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि है। सर, डॉक्टर वरुण सरकार मतलब एक उसमें थे, चिकित्सा इतना जगत में नाम था उनका, उनके आज जन्मदिन भी है सर उनका जी, तो उन्हीं के उस पर ये सर किया गया था। जी, डॉक्टर वरुण सरकार मेरे पिता एक महान समाज सेवी चिकित्सक थे और उनके आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस कार्डियक सेंटर और प्री स्कूल का इनॉग्रेशन किया गया है। इसका नाम भी डॉक्टर वरुण सरकार कार्डियक सेंटर नाम दिया। ठीक,